क्लैन वॉर लीग का वॉर नंबर 4 तैयार है हमारे सामने, हम भी तैयार खड़े हैं भाई साहब। जूता बजाओ प्रतियोगिता में चलेंगे सीधा, लेकिन चैनल पर पहली बार आए हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए चलते हैं मार्केट में लठ बजाओ प्रतियोगिता में। भाई क्लैन वॉर लीग के अंदर अपोनेंट का रैंक 1 बेस मारने का ठेका तो मानो मैंने ही ले रखा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हो सकता है ठेकेदारी खराब हो जाए, अटैक ही फेल हो जाए, पर हम कोशिश करेंगे। और आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सिर्फ बेइज्जती होती है। यहां पे थोड़ी सी फनल बनाएंगे, थोड़ी सी और फनल बनाएंगे, किंग डालेंगे, इधर से आएंगे हमारे रूट राइडर्स, वल्करी, इलेक्ट्रो टाइटन, रेज, होडन एबिलिटी, इधर ही तो डैमेज है, हेड हंटर, फ्रीज भाई, क्वीन तो गलत ही जा रही है मेरी। ऐसा सिस्टम हो गया गलत, क्वीन चली गई है गलत, और टाउन हॉल कौन निकाल के देगा, ये है अब मसला। रॉयल चैंपियन लगी तो हुई है बेचारी, किंग कुछ खास काम नहीं आ रहा है, रॉयल चैंपियन की भी एबिलिटी चली गई है। क्या हम इसको ट्रिपल मार पाएंगे, किंग मर चुका है, सिर्फ रॉयल चैंपियन बची है, और भाई 3 स्टार के साथ स्वागत तो कर दिया है हमने इस वाली क्लैन वॉर लीग का भी। भाई वाह, टुक टुक भाई साहब आ गए हैं, टुक टुक ही बजाते हैं अपनी, लेकर आए हैं जैप रूट राइडर, द मोस्ट डेंजरस रूट राइडर आर्मी। मेरे नजरों में इससे खतरनाक कोई आर्मी नहीं है रूट राइडर की, क्योंकि जैप के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस निकाल लेते हैं पहली चीज, है ना। दूसरी बात, हीरो को सुई करके सीसी को मार देते हैं, उसके बाद भाई कोई बेस ऐसा बचा नहीं है जो मतलब समझ रहे हो आप फिर इस अटैक को बर्दाश्त कर सके, पर उस लेवल की परफेक्शन भी होनी चाहिए अटैक के अंदर। लाल यहां पर ग्रीन का डिप्लॉयमेंट किया गया, सीसी इधर से कैसे मिलेगा यार, क्योंकि सीसी तो चाहिए, किंग आ गया है, मोनोलिथ आ गया है, सीसी की जगह आर्टिलरी को टेक डाउन कर रहे हैं, और सिंगल टारगेट इन्फर्नो भी है वहाँ पे, बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा वो सिंगल टारगेट इन्फर्नो। हेड एंटर थोड़ा गलत तरफ से डाली है, अरे रूट राइडर डाल दिया सीधा, ये तो समझ से बाहर हो गया है फिलहाल ये अटैक मेरी, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया कि पहले सीसीवीसी को टेक डाउन करते हैं उसके बाद रूट राइडर्स डालते हैं, पर ये तो बंदा सीधा ही दौड़ गया पॉइजन फ्रीज व्रीज लेके, उधर फ्लेम फ्लिंगर लगा हुआ है, डैमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि टाउन हॉल एक्टिवेट हो चुका है, वोडन एबिलिटी को बचा के रखा गया, लगा दिए वोडन एबिलिटी भी, किंग एबिलिटी को बचा के रखा गया, रॉयल चैंपियन बढ़िया इनविजिबल होके घूम रही है आर्मी के साथ साथ, बचे हुए लोंडा लोक को भी लगा दिया गया, वो भाई कैनन को भी टेक डाउन कर लेगी उधर से फ्लिंगर। रॉयल चैंपियन यहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रही है, इनके पास एबिलिटी अभी भी है, देख के तो लग रहा है टुक टुक भैया ने बेस की टुक टुकी बजा दी है, और यही तो करना है, छोड़ना ही नहीं है भाई, मारते ही चले जाओ, धोते ही चले जाओ, और इतना भी ना मारना कि अपोनेंट वाले अगली बार से क्लैन वॉर लीग ही ना खेले, तो थोड़ा थोड़ा एक आधे बेस को हम छोड़ भी देंगे। बट्टा पेस स्पेशलिस्ट बीके
ब्लैक एडम लेकर आए हैं ऑब्वियसली भट्टा पेस बोलर्स, लिंगर लगा दिया है, और भाई चल रहा है मामला धीरे धीरे। ओडन से शायद ग्राउंड एक्सबो को टेक डाउन किया जाएगा। चलो भाई लिंगर उधर से वैल्यू निकालने में लगा हुआ है, मेरे को लग रहा है ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, जहां पे किंग है ना इसका अपोनेंट का वहां से लेके आएगा मेरे को लग रहा है ये आर्मी को पूरी को, बिल्कुल वहीं से आ रहा है। जंप ऑलरेडी एडवांस में मार दिए, एक आइस गोलम दो आइस गोलम तीन आइस गोलम किंग इलेक्ट्रो टाइटन बोलर्स, रेज किंग को मार दिया, रेज लगाई है पर दोनों पॉइजन टावर गिर चुके आर्मी के ऊपर, इसलिए वार्डन एबिलिटी लगा दिया टाउन हॉल गोवेंट गोन। किंग बेचारा बाहर मरने की हालात में पहुंच चुका है, इनकी एबिलिटी लगानी पड़ेगी, अब क्वीन को निकाल देगा किंग। भाई बॉलर से धुआंधार चल रहे हैं, वेल चैंपियन आ चुकी है ब्लैक एडम जी, इस बेस के बुरी तरीके से चिपट चुके हैं देखा जाए तो। आखिरी रेज बची है, शायद उसको स्वैग करना चाहते हैं इस्तेमाल करने का, यहां पे मन नहीं कर रहा इनका। चलो लगा दिया, गुड डिसीजन, ताकि जो प्रोसेस है उसको थोड़ा तेज किया जा सके। और भट्टा पेस स्पेशलिस्ट बॉलर के द्वारा पोलिंग यहां पे करा दी गई है। चलो जी ये भी ठीक है भाई, ये गया ट्रिपल। वन ट्रू किंग यहां पे आ चुके हैं जैप लावा लून लेके, भाई ये तो स्टार्स का वो हो गया एकदम, पैन हो गया लोंडा। लिंगर लेके आया, जैप मार रही है, जैप जैप कर दिया यहां पे। अरे हीरोज को मेरे को लग रहा आर्टिलरी कंपार्टमेंट में उतारेगा ये, वहां से किंग को टेक डाउन करेगा, आर्टिलरी को टेक डाउन करेगा क्योंकि इधर से भी रास्ता बनाने में लगा हुआ है। किंग आ गया, क्वीन भी आएगी, किंग तो सीधा अंदर ही भेज दिया इसने, पर फिर से बाहर आ गया और अब किंग बाहर ही बाहर जाएगा। अब तो किंग अंदर नहीं जा रहा ब्रो, वापस जा, चला गया, क्वीन आ गई उधर से। चलो नाइस, लिंगर भी लगा हुआ उधर पे, इनकी एबिलिटी लगने वाली है, सीसी बाहर आने वाला है, आइस गोलम का झुंड आने वाला है पूरा, तीन आइस गोलम, अपोनेंट किंग भी परेशान, क्वीन भी परेशान कर रही है यहाँ पे। एक आइस गोलम को निकाल दिया किंग ने, चलो दूसरे को भी निकाल दिया, दो आइस गोलम ठीक है। लावलून आ रहा है इधर टाउन हॉल कंपार्टमेंट में से, हेड हंटर आ गया, रीज आ गई है टाउन हॉल पे, वन ट्रू किंग एकदम ओपी अटैक कर रहे हैं यहाँ पे लावलून पर, थोड़ा एबिलिटी लगा दी, क्वीन की एबिलिटी जाने वाली है यहाँ पे, सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने पकड़ लिया क्वीन को। भाई साहब दो दो मल्टी टारगेट इन्फर्नो है, और यहीं पे टेस्ला है, ये अटैक फंस सकता है, टेस्ट डालो
रॉयल चैंपियन को बचा लो। और भाई कितनी सारी ग्राउंड स्केलेटन्स हैं, बचे हुए बलून्स भी उतार दिए। चलो वन ट्रू किंग है भाई, ये इतने आसानी से अटैक फेल करेगा नहीं। वन प्रो किंग का छोड़ा भैया, ये छोटा उस्ताद है, ये इतनी आसानी से अटैक फेल करता नहीं है ये, समझ रहे हो आप। एक और भट्टा पेस स्पेशलिस्ट ब्लैक एडम, सॉरी बैटमैन वॉरमैन के ऊपर, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड में से आता है। एटीपी वॉरमैन मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है। वॉर्डन के ऊपर एबिलिटी लग गई है उतारते के साथ ही, सॉरी रेज लग गई है क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे वॉर्डन के ऊपर। काफी सारी चीजों को टेक डाउन करना है वॉर्डन को, यहां से लिंगर लगा दिया, किंग लगा दिया, एज आ गई है या नहीं आई है। लिंगर जा रहा है स्कैटर शॉट के लिए और क्वीन जा रही है बाहर, आर्मी जा रही है अंदर, क्वीन जा रही है बाहर। वॉर्डन एबिलिटी लगा दी है, काफी जल्दी लगा दी है भाई ने, जंप भी लगा दी है। बॉलर गलत जा चुके हैं, वन स्टार इज इनकमिंग नाउ, मान के चलो आप ये वन स्टार है भाई, मैंने तो मान लिया कि ये वन स्टार होने वाला है। बैटमैन भाई साहब का समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, दूसरा अटैक वन स्टार होगा ये इस क्लैन वॉर लीग का। कौन ही जाके टाउन हॉल को निकालेगा इतने डैमेज में से, क्वीन की एबिलिटी जा चुकी है। रॉयल चैंपियन के अंदर इतना दम नहीं है, नहीं है भाई, मैं तो गारंटी दे रहा हूं कि इतना दम नहीं है। ओपी वन स्टार इज इनकमिंग फ्रॉम बैटमैन भाई साहब, क्या बात है। बॉलर फंसवा देते हैं भाई कभी कभी, थोड़े से फंस गए हमारे भैया, कोई बात नहीं गाइस, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, आप उनके ऊपर ध्यान ना दें ज्यादा, अगले अटैक पे चलते हैं, तीन मार देते हैं किसी और को। एर मिदानी रॉक लेकर आए हैं अपने रॉक सॉलिड आर्मी और यही लेंगे वन स्टार का बदला, क्योंकि ये बंदा है थोड़ा सा पगला। कब उतारेगा आर्मी मेरे भैया, जैप मार दिया है स्केटर को, क्वीन को और एक्सबो को, बाय 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 बाय, सीधा फ्लिंगर आ गया गोलम के साथ, गोलम जाएगा सीसी को निकालने के बाद, आर्मी सीधा जाएगी इस वाले कंपार्टमेंट में से, जिस कंपार्टमेंट का नाम है टाउन हॉल। क्वीन यहां पे फंसी पड़ी है, किंग वहां पे मरने वाला है, क्वीन एबिलिटी लगा दी भाई, स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट में से आ रहा है इधर से, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इधर से आएगा, थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है अटैक में पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधा रास्ता यहाँ पे तैयार है टाउन हॉल कंपार्टमेंट के लिए और आर्मी भी उधर ही जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाउन हॉल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, रेज लगाओ और जल्दी जल्दी बेस को उड़ाओ। ये गया टाउन, और रेज टावर को तो एक्टिवेट ही नहीं होने दे रहा ये, और अब तो एक्टिवेट हो गई होगा, अब कैसे बचाओगे भाई। क्वीन यहाँ ने हेल्थ गेन कर लिया, क्वीन ने दोबारा से एक स्केलेटन लगा दिया ऊपर की तरफ, आर्मी काफ़ी बची हुई है अभी। अच्छी बात यह कि अपोनेंट का कोई हीरो बचा नहीं है, अस्तो
मनुष्यता लग गई हमारे इस वॉर में, इतने सारे ट्रिपल मार दिए हमने पिछले वॉर्स में, क्या अटैक फेल हो गए यार हमारे, कमाल की बात है। और भाई साहब एर मैदानी रोक का ये अटैक तो रोक सॉलिड निकला, जे तो फेल ना हो रहा मुन्ना, ओवर किल कर दिया। मैं कह रहा हूँ जैप टाइटन बहुत जबरदस्त आर्मी है। ईशान आदित्य जी आ गए हैं वही वाली आर्मी लेके, ये मारेगा स्कैटर शॉट या फिर कैनन को भी मार सकता है, सिंगल टारगेट को भी मार सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जैप मारने के लिए। मोनोलिथ और बोम टावर जैप मारा है, यानी कि टाउन हॉल में से जाएगा क्या, नहीं मतलब टाउन हॉल को क्वीन वीन से निकाल के मेरे को नहीं पता क्या करेगा, देख लेते आराम से बैठ के क्यों इतनी भड़क लेनी है। ये किधर से मारा इसने, ये लोग लुगाई लॉन्चर किंग एबिलिटी लगा दी, ओलन तो फटने वाला है भाई। और चलो क्वीन पहुंच गई है वहां तक, थोड़ी बहुत हेल्प कर देगी क्वीन यहाँ पे इसी को टेक डाउन करने में। अच्छा आइस गोलम्स को भटका दिया इसने यहाँ पे, आइस गोलम को अलग ही भेज दिया, क्वीन निकालने में लगी हुई है आइस गोलम्स को, और ताकि रूट राइडर्स की जो रफ्तार है वो बिल्कुल स्लो ना हो, रूट राइडर्स अपना चलते जाएं चलते जाएं। इस तरफ के बेस को क्वीन निकालेगी, उस तरफ के बेस को रूट राइडर्स निकालेंगे, इसकी चाल थी भाई ये, आर्मी को स्प्लिट करने की चाल थी। ओडन एबिलिटी लगा दी, पहली बार मेरे को ये अटैक थोड़ा खतरे में लग रहा है, ज्यादा तो नहीं बस थोड़ा ही, क्योंकि क्वीन मर चुकी है, टाउन हॉल अभी तक आया नहीं है, ओडन के पास एबिलिटी है नहीं और स्पेल कोई बची नहीं है, और वहाँ पे ग्राउंड स्केलेटन्स निकल चुकी है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी जा चुकी है। पहली बार इस बंदे का भी अटैक फेल होता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, अभी तक कोई अटैक फेल नहीं करा इसने इस क्लैन वॉर लीग के अंदर। हालांकि रूट राइडर्स बहुत सारे बचे हुए हैं, पर टाउन हॉल के पॉइजन से खतरा आपको पता ही है कितना ज़्यादा होता है, पूरी की पूरी आर्मी को लेटा लेता है टाउन हॉल का पॉइजन। क्लीन अप के लिए कुछ बचा नहीं है भाई, फेल हो रहा है क्या ये अटैक, बत्तीस सेकंड बचे हैं, रूट राइडर्स के पास हेल्थ नहीं है, पर फिर भी मेरे को लग रहा है कि काम हो जाएगा, या 99% फेल हो सकता है। लॉस चल रहा है भाई एकदम अटैक, 98 तक तो आ चुका है और अभी रह गया 99, अब रह गया ये पक्का 99%। डीडी मिस्टर आडिल सुपर आर्चर नहीं, जैप टाइटन नहीं, जैप रूट राइडर, ये तो स्कैटर शॉट को जैप मार दे, कितनी बढ़िया वैल्यू देखो यहाँ पे, मोनोलिथ स्कैटर शॉट्स इनविजिबल टावर सब कुछ मिल जाएगा। अरे ये तो भाई कहीं और ही जैप मार रहा है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को तो बिना जैप स्पेशलिस्ट प्लेयर समझते हैं। अरे जैप का स्पेशलिस्ट हूँ मैं यार, मेरी माना करो, हालांकि मुझे पता नहीं है कहाँ मारनी होती है जैप, पर स्पेशलिस्ट तो अपने आप को बताना ही चाहिए भाई, तभी तो आपके पास कोई पेशेंट आएगा, अगर आप अपने आप को बेकार ही डॉक्टर बता दोगे तो फिर कौन ही आएगा आपके पास। लाल यहाँ पे लोग लुगाई लॉन्चर फंस चुका है, अंदर तो नहीं जा पाएगा ये, क्वीन जाएगी अंदर, क्वीन जाएगी अंदर, वॉल ब्रेक हो गया, क्वीन मरने वाली है, एबिलिटी लगा दी है, टाउन हॉल नहीं आ रहा है,
और टाउन हॉल के पास इनविजिबल टावर जो है वो एक्टिवेट हो गया तो दिक्कत है। स्कैटर शॉट निकाल लिया जाएगा, इनविजिबल टावर निकालो स्कैटर शॉट से भी ज़्यादा जरूरी है। चलो वन स्टार क्योंकि इनविजिबल टावर ही करवा सकता था, कम से कम उसको टेक डाउन कर लिया गया। और अब आर्मी सीधा जाएगी, पूरे बेस में जाएगी लेकिन सिर्फ टाउन हॉल पे नहीं जाएगी। जिस हिसाब से बेस बना हुआ है ना, आर्मी पूरे बेस में घूमेगी और टाउन हॉल पे नहीं जाएगी, आखिरी में जाएगी। वोडन एबिलिटी लगा दो, मैं तो कह रहा हूँ यहीं पे कैरेटन लगा दिए, हेड हंटर लगा दिए, 1:16 का टाइम बचा है। इनविजिबल टावर जो चला गया उसकी बड़ी खुशी है। सारे आर्चर्स लगा दिए हैं भाई यहाँ पे, क्लीनअप में लगे हुए हेड हंटर्स भी, उटराइडर्स तो दुनिया भर के बचे, ये तो मरने का नाम नहीं लेंगे भाई। आखिरी में जाएगी आर्मी घूम के टाउन हॉल पे, लास्ट बिल्डिंग होने वाली है टाउन हॉल। 44 सेकंड्स का टाइम बचा है, रॉयल चैंपियन भागेगी सबसे पहले रूट राइडर से भी आगे, वहीं पे रेज मारना पड़ेगा। लगाओ भाई रेज, खत्म करो इस बेस को, इस बेस को दे दो छुआरा कि भाई ये बोल ना पाए दोबारा। लगा दिया वार्डन एबिलिटी, बाहर की तरफ से क्लीनअप देख लेते हैं क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट क्लीनअप ही है। अरे 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 ये क्या हुआ, जान वालों के अटैक देख के गाइस मैं तो डिप्रेशन में आ चुका हूँ, इसलिए अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए मेरे को खुद ही अटैक करने का डिसीजन ले लिया मैंने कि अब मेरा डिप्रेशन कोई दूर नहीं कर सकता, ये बात मैं जान चुका हूँ। नए वाली मशीन बनाऊंगा। उटराइडर्स लगाऊंगा। किंग लगाऊंगा। रेज लगाऊंगा। वार्डन एबिलिटी भी लगाऊंगा। और वल्करी भी लगाऊंगा। रॉयल चैंपियन भी लगाऊंगा। देख रहा डिप्लॉयमेंट कितनी फास्ट होती है, धना धन डिप्लॉयमेंट करता हूँ मैं। ओह रॉयल चैंपियन पे डैमेज आ रहा है, हील लगानी पड़ गई है। एक स्केलेटन लगा देते हैं यहाँ पे, किंग को पकड़ रहा है यार ये बेवकूफ़ है, ये तो किंग कोई मारने की चीज़ है, इतना प्यारा किंग होता है उसको कौन मारता है यार, काहे मार रहा है किंग को भाई। क्वीन पकड़ लिए, अबे सिंगल टारगेट इन्फर्नो तो बहुत ही परेशान कर रहा है यार, मतलब मैं इसे कुछ कह नहीं रहा तो कभी क्वीन को पकड़ ले रहा है कभी किंग को पकड़ ले रहा है, बदतमीज किस्म का है सिंगल टारगेट इन्फर्नो भाई। क्वीन मेरी सही जगह पहुंच गई है, ऐसे ही डिप्रेशन दूर होता है गाइस जब आप क्लैन वालों के अटैक देख देख के पक जाओ, खुद ही ट्रिपल मार लो यार, है ना, परेशान कर दिया। अपोनेंट का नाम क्या ही है, डोयर एक्स आई एक्स ना, क्या ही नाम है, 10-19 डोयर 19, रोमन में 19 लिखा ना गाइस, गलत तो नहीं पढ़ रहा मैं, ऐसे ही तो पढ़ा करते थे। एक्स आई एक्स, चलो जो भी है, फिलहाल यहाँ पे एक फ्रीज स्वैग कर दी गई है वी आर बेस्ट नाम के इस क्लैन के अगेंस्ट में, पहला स्वैग आ रहा है क्या ये मार्केट में। एक अटैक और करने का है बंधु लोगों, चलो भाई आपने कहा हमने कर दिया, जो कहा सो किया, किसका नारा है ये, मेरा अभी अभी बनाया मैंने।
वार्डन किधर जा रहा है तू बेवकूफ, इसने तो लग रहा मेरी आर्मी मरवा दी सारी, वार्डन ने बचा ही कुछ नहीं आर्मी में। रूट राइडर तो दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। अरे रूट राइडर्स कहाँ गए, करण अर्जुन कहाँ गए मेरे? वेल चैंपियन को हील डालनी पड़, और भाई वन स्टार हो रहा है अटैक मजाक सेट के, आर्मी मेरी वाइप आउट हो गई पूरी। टाउन वाला अभी तक आया नहीं है। रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी भी नहीं है। मुंह छुपा लूं क्या कहीं पे जाके? अब मैं देख लो, तुम तीन स्टार देख देख कितने बोर हो गए ना मेरे, कि मेरे से भी वन स्टार करवा दिया तुमने। इतना कैजुअल ले लिया मैंने इस अटैक को, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकता हूं मैं? बहुत कैजुअल ले लिया यार मैंने इस अटैक को, मतलब ऐसा कर दिया अटैक जैसे मैं गार्डन में घूम रहा हूं। ऐसा क्यों करूंगा मैं, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। नहीं आर्मी से अटैक करो। आज की वॉर का गाइस फाइनल अटैक क्लैन वॉर लीग का, वेरी डेंजरस अटैक एंड वेरी ओपी प्लेयर मी। डबल आइस गोलम, डबल ये रूट राइडर्स, वार्डन, अप्रेंटिस वार्डन, एक और रूट राइडर, ये पॉइजन किंग क्वीन, रीज रेज ओडन एबिलिटी, रॉयल चैंपियन किधर लगानी है बस वो देखना है। अरे गलत ही डैमेज दे रही है भाई, क्या नाम है इसका? अरे आइस गोलम तो किसी काम नहीं आ रहा, कहाँ फंसा पड़ा देखना, जरा भी काम का नहीं आइस गोलम। क्वीन भी फंस गई है उधर, किंग फंस गया है इधर, रॉयल चैंपियन फंस गई है, क्वीन एबिलिटी लगा देते हैं। अरे भाई रेड ब्लैक माइन सारी वहीं पे ही है, आरसी की एबिलिटी जा चुकी है और हमारी जान हलक में आ चुकी है। एबिलिटी के बिना कैसे होगा भाई? बचा रहा हूं मैं अपनी आरसी को जैसे तैसे, जीरो हॉर्स पावर पे, हॉर्स पावर खत्म हो गई है मेरी पूरी रॉयल चैंपियन की, पर हॉर्स पावर खत्म हो चुकी है अभी इस बेस की भी। अच्छा बेस था ये, रेस्ट इन पीस हो गया पर अब इसके साथ। पर ये वाला वॉर क्लैन वॉर लीग का हमारा एक वीक टीम के अगेंस्ट बहुत बेकार हो गया है, उतना तगड़ा स्कोर नहीं हो पाया जितना तगड़ा 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 होना चाहिए था। आइए मैं आपको स्कोर दिखाता हूँ आप सभी के लिए गाइस, एक छोटी सी पर बहुत मस्त अनाउंसमेंट। आज से हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं रूटर के ऊपर रात 8 बजे से लेके, ठीक है? तो आ जाना आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पापा मोगेम्बो सीके सर्च कर लेना, ढूंढ तो आप बाकी मेरे को लो गई 8 बजे आज रात से रूटर पे। 34 स्टार मारे हमने, 14 अटैक हो चुके हैं, एक अटैक बचा है, 36 या 37 स्टार हमारे हो जाएंगे। एक अटैक अपोनेंट ने 1 स्टार मारा है, ठीक है, और उसके टक्कर में हमने 2 अटैक 1 स्टार मार के दिए अपोनेंट को एकदम शानदार तरीके से, जिसमें से एक तुम्हारा भाई है ये रहा, ये देखो थारे भाई मोगेम्बर ने भी 1 स्टार जड़ दिया मार्केट में, और एक बैटमैन भाई साहब दूसरी बार 1 स्टार मारते हुए क्लैन वॉर लीग के अंदर,
पर ये वॉर हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बेसिस बहुत ओपी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। 7 में सिर्फ 15 स्टार ही मार पाए हैं अपोनेंट। रैंक हमारी चल रही है बढ़िया क्लैन वॉर लीग के अंदर। आज की वीडियो में रहेगा इतना ही, उम्मीद करते हैं मजा टाइप का आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब का इधर नाम मिलता होगा बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें प्यारे माता पिता का भी। बाय।